Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है और बहुत ही जल्द इसका सेकेंड सेल लगने वाला है। बहुत से लोग इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न है इसके कलर्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर इस बार बहुत अच्छे कलर्स आपको मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा कलर वेरियंट Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max में परचेज करना चाहिए। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है, आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, मैं आपको बताऊंगा कि रियली में कौन सा कलर कैसा दिखता है, आपको कौन सा कलर वेरिएंट परचेज करना चाहिए। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बॉडी है ग्लास बिल्ड है, उसके ऊपर मैट फिनिश है, जिसका एडवांटेज है कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, आपके फिंगरप्रिंट के साइन वहाँ पर नहीं लगेंगे। तीन कलर ऑप्शन है, विंटेज ब्रॉन्ज, ग्लेशियल ब्लू एंड डार्क नाइट। तो आप देख सकते हैं तीनों का तीनों मैंने साइड बाय साइड वीडियो के अंदर लेकर आया हूं और आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, क्योंकि मैंने तीनों का तीनों जो डिवाइस है यूज़ किया है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट हुआ है ब्रॉन्ज, विंटेज ब्रॉन्ज रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और शाइनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैट फिनिश प्लास्टिक में भी मिलता है तो वो भी काफ़ी ऑसम फील होता है, बट ये तो ग्लास बॉडी के ऊपर मैट फिनिश है, जिसमें Xiaomi ने इस बार काफ़ी कमाल का काम किया है। तो जो विंटेज ब्रॉन्ज है, इसके साइड जो हैं वो भी आपको कॉपर कलर के देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज कलर के देखने को मिल जाते हैं, गोल्ड का थोड़ा सा फील देखने को मिलता है, शाइन है और इसके टेक्सचर काफ़ी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैमरा बम्प है उसके ऊपर भी यहाँ पर गोल्डन कलर का आपको फिनिश देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का दिखता है विंटेज ब्रॉन्ज। अब हम बात करते हैं कुछ और दूसरे कलर का, तो यहाँ पर दूसरा जो कलर वो है डार्क नाइट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ब्लैक कलर खरीदने वाले यूजर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी विंटेज ब्रॉन्ज और ग्लेशियल ब्लू की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्लैक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर है, उनका माइंडसेट बिल्कुल एकदम क्लीन होता है कि मुझे ब्लैक ही लेना है। तो ब्लैक लवर के लिए तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि जो मैट फिनिश है वो ब्लैक में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर फील ऐसा होता है कि ये जो ग्लास बॉडी है वो शाइनी है, क्योंकि ब्लैक के अंदर मैट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको परचेज करना है तो आप जाएंगे ही ब्लैक के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो कैमरा बम्प है ब्लैक में वो भी 100% ब्लैक ही से, और सिल्वर का टोन दिया गया है 108 मेगापिक्सल में, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और तीनों ही कलर का और तीनों ही वेरिएंट का सबसे स्पेशल पॉइंट ये है कि हर कलर का जो टोन है 100% वही रखा गया। अगर ब्लैक है तो कॉर्नर्स भी ब्लैक के हैं, सिर्फ थोड़े बहुत टेक्सचर चेंज किए गए हैं। अब आते हैं फाइनली जो तीसरा कलर है, वो है हमारा ग्लेशियल ब्लू। तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा सही दिखता है, मतलब इसमें दो कलर आपको देखने को मिलेंगे, एक ब्लू और दूसरा वाइट टोन। लोग कन्फ्यूज भी होते हैं कि ये ब्लू कलर है, बट ये दिखने में वाइटिश टोन जैसा लगता है, वाइट कलर दिखने में लगता है, बट नहीं, यहाँ पर सिल्वर का फिनिश दिया गया है आपके फ्रेम के अंदर और जो कलर से वो ऐसा देखने को आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा पहले ब्रॉन्ज, फिर आप ग्लेशियल ब्लू और थर्ड में डार्क नाइट, ये मेरा सजेशन है। आप कमेंट करना आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया। सो उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूज़न है इस डिवाइस को परचेस करने को लेकर, कलर कन्फ्यूज़न जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।